आज का हमारा विषय है डॉक्टर श्रीकृष्ण नारायण रातनजनकर, एक गायक, एक शिक्षक और एक रचनाकार। इन तीन भूमिकाओं में मैं पहले ही कह देना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के विषय में मैं बोलूंगा वो मेरा निजी अनुभव मैं कह रहा हूं और मैं स्वयं एक भावुक प्रकृति का होते हुए शायद बीच में कहीं मैं अटक भी सकता हूं। रतनजनकर जी को आज की पीढ़ी शायद उतनी नहीं पहचानती है जितने 50-60 साल पहले की पीढ़ी पहचानती थी। एक गायक के नाते उनकी शिक्षा कैसी हुई, वो गायक कैसे बने, इन सब बातों का मुझे बहुत नजदीकी से जानकारी प्राप्त हुई। उसका कारण यही है कि मेरी बहुत अल्प आयु से मैं उनके साथ रहा। मेरा उनका संबंध क्या है ये आज तक मुझे भी नहीं पता। व्यवहार में मैं उनका शिष्य अवश्य हूं। लेकिन एक गुरु शिष्य के नाते से परे एक दूसरा एक नाता होता है जो अनुभव करता है उसी को उसकी महत्ता समझ में आती है। वैसे मैं रहने वाला बेलगाम का, उनकी कर्मभूमि थी लखनऊ यूपी। लेकिन एक संयोग था कि बिना किसी प्रयास के, जैसे परसी हुई थाली सामने आती भैया खाओ, वैसे मेरे नसीब में कहिए मैं इतना सद्भाग्य रहा कि बिना किसी प्रयास के मैं उनके चरणों तक पहुंच सका। वो एक अलग कहानी है, उसका इस विषय से कोई अधिक संबंध नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि इस कारणवश मैं उनके घर पर ही रहने लगा और वो चूंकि संयुक्त कुटुंब में रहते थे इसलिए उनका घर का वातावरण और उनके बचपन की बातें, इन सब से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो सका और उनके इतने निकट में था कि उन्होंने अपनी बचपन की सभी बातें मुझे कही और उसी के आधार पर मैं बोलता हूं। यानी किसी से सुनी हुई बात नहीं, उन्हीं के मुंह से सुनी हुई बात। रतनजनकर जी के पिताजी एक शौकिया सितार वादक थे और व्यवसाय से सीआईडी पुलिस इंस्पेक्टर थे। संगीत का शौक अवश्य था। वो चाहते थे कि अपने बच्चों को संगीत सिखाया जाए। उस जमाने में संगीत सीखना इन्हें दुश्वार था। सभ्य समाज में संगीत सीखना यानी ये समाज से उठा हुआ व्यक्ति है, ये समझ थी।
तो हमारे रतनजनकर जी के बड़े भाई, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, जिनके सुपुत्र ज्ञानेश्वर रतनजनकर हमेशा गाते रहते हैं। तो उनको सिखाने के लिए पहले उनके पिताजी का विचार हुआ, उनके साथ साथ इनको भी बिठाना। उनकी आयु के सातवें वर्ष में संगीत की शिक्षा उनकी प्रारंभ हुई। वो भी कैसे, उनके पिताजी के एक मित्र शंकरराव कर्नाड, ये एक वकील थे बंबई हाईकोर्ट में, और चूंकि ये सीआईडी इंस्पेक्टर थे तो इनकी कोर्ट में हमेशा भेंट होती रहती थी। तो उनसे उन्होंने कहा कि भैया, हमको जरा हमारे बच्चों को अच्छा स्वर ज्ञान करवाना है, स्वर ज्ञान अच्छा करवाना है, तो कोई अच्छा शिक्षक हो तो हमें बताइए। तो ठीक है, तो काले खां साहब के, यानी गुलाम अली खां साहब के चचा काले खां साहब थे, उनके एक शिष्य कृष्णराव होन्नावर नाम के वहां बंबई में कई लोगों को तालीम देते थे, उनकी नियुक्ति की गई। जिस दिन उन्होंने घर में कदम रखा तो रतनजनकर जी के पिताजी ने उनसे कहा कि आपको मैं इन बच्चों को स्वर ज्ञान कराने के लिए यहां बुलाया है, और जब तक आपका नहीं मेरा समाधान नहीं हो, तब तक अगर एक भी बंदिश आप उन्हें सिखाएंगे तो कल से आप आना कष्ट न करें, चाहे वो फिर 5 साल लगे 10 साल लगे, जब तक मेरा समाधान नहीं होगा, आपका समाधान तो जान लीजिए, मेरा समाधान जब तक नहीं होगा तब तक एक भी बंदिश नहीं सिखाने, इनको स्वर ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार दोनों भाइयों का शिक्षा आरंभ हुई। उसमें एक 6-7 महीनों के बाद बड़े भाई तो जरा उम्र में भी अधिक थे, तो स्कूल में बच्चे सब चिढ़ाने लगे, तो उन्होंने मारे शर्म के गाना छोड़ दिया और इन्होंने कंटिन्यू किया। 3-3.5 साल तक सिर्फ 12 स्वरों के अलंकार चलते रहते थे। स्कूल से 4:30 बजे शाम को आए तब वो गुरुजी वहां हाजिर रहते थे घर पर, इनको खेलने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। स्कूल से आए, किताबें रख दी, चलो, तो जो 4:30-5 बजे शिक्षा आरंभ होती थी तो 6:30-7 बजे तक उनको शिक्षा दी जाती थी। ऐसा 3.5 साल का क्रम हुआ। इस बीच में कहीं रसोई घर में कोई बर्तन गिरा तो हाँ बोलो कौन सा सुर है वो, कहीं कुछ म्यूजिकल साउंड कहीं से भी आया तो कौन सा सुर है, ऐसी सब बातें हो रही होगी। 3.5 साल में वो सुनने के लिए कई लोग आते थे। उस जमाने में इस स्वर ज्ञान कराना एक नई रीति थी। एक दिन 3.5 साल में शंकरराव कर्नाडी जी के मित्र पंडित भातखंडे जी थे, वो भी वकालत करते थे और कर्नाड जी भी उनसे सीखते थे। तो उन्होंने कहा एक लड़का अच्छा तैयार हो रहा है जरा के लिए सुनने के लिए, तो पंडित जी को ले आए। तो उन्होंने वही उनको स्वर ज्ञान के, फिर पंडित जी ने उनकी टेस्ट ली, अलग अलग स्वर पूछे अलग अलग संदर्भों में, फिर कहा कि 12 स्वर झट से आरोह करो बगैर रुके हुए। तो उन्होंने कहा बताया, ठीक है चलने दो, शाबाशी दी। फिर बाद में गजानन राव जोशी जी के पिता अनंत मनोहर जोशी,
उनसे उन्होंने करीब करीब एक डेढ़ साल तक तालीम ली ग्वालियर शैली में। और इस बीच में लक्ष्य संगीत ग्रंथ तैयार हो गया था और उनके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और घर पर ही रहते थे। तो उनके हाथ में लक्ष्य संगीत की एक प्रति मिली, भेंट भातखंडे जी ने भेजी थी। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद, वो खुद संस्कृत के बड़े विद्वान थे हमारे गुरुजी के पिताजी, उन्होंने अष्टाध्यायी से संस्कृत सीखा था। यहां तक इतना ही कहना चाहूंगा कि जो निर्णय सागर प्रेस में जो समास चक्र जो किताब छपी है, वो रचनाकार हमारे गुरुजी के पिताजी थे। उनको कॉलेज की टर्न फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने समास चक्र लिखा और निर्णय सागर को 100 रुपए में बेच दिया, कॉपीराइट समवेत, जिसके ऊपर की कई आवृत्तियां निर्णय सागर ने निकाली। और सभी लड़कों को उन्होंने संस्कृत घर में ही पढ़ाया था अष्टाध्यायी से। तो उन्होंने जब वो ग्रंथ देखा, तब उनकी मनोमन ये उनको लगा कि इनकी खोज बहुत है संगीत में। और वैसे भी वो कॉलेज मेट्स भी थे भातखंडे जी और उनके पिताजी, तो वैसे भी भातखंडे जी को वैसे जानते भी थे। इस बीच में हमारे गुरुजी के माता जी का देहांत हुआ और कुछ समय के लिए गायन बंद रहा एक डेढ़ साल तक। एक दिन ट्राम में पिताजी की और भातखंडे जी की भेंट हुई, तो उन्होंने कहा बच्चे का प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी परिस्थिति के हिसाब से उनका गाना आजकल बंद है। तो नहीं, हम गाने उत्तेजक मंडली में, यहां क्लब है, वहां मैं रोज जाता हूं शाम को, वहां ले आइए उसको। तब से उनके उम्र के 13वें साल से, 11-12 साल की उम्र से वो पंडित जी के पास सीखने लगे। इस प्रकार फिर उनका संगीत चालू हुआ और 2-3 साल बाद में आर्थिक परिस्थिति के कारण उन्होंने बम्बई छोड़ा और वो सतारा और अहमदनगर में गए, वहां रहे। वहां अब्दुल करीम खान साहब से उनकी भेंट हुई। अब्दुल करीम खान साहब के साथ उन्होंने साथ संगत भी की, उनको गाना भी सुनाया। और उस वक्त अब्दुल करीम खान साहब ने बहुत कहा कि इस लड़के को हमें दे दो, इसको हम बहुत तैयार करेंगे। तो उनके पिताजी ने कहा यह तो पंडित भातखंडे जी का शिष्य है, उनकी अगर इजाजत होगी तो मुझे कुछ नहीं है, मुझे उनके पूछना पड़ेगा। तो इतने में एक बात, ये घटना हुई। तो उन्हें उस वक्त ये श्रुतियों का झगड़ा चल रहा था उस जमाने में, देवल क्लेमेंट्स इन लोगों का श्रुति बात चल रहा था और अब्दुल करीम खान साहब उसमें और भातखंडे साहब उस कथन को खंडन कर रहे थे। तो उस हिसाब से भातखंडे जी के प्रति थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो उनका क्या ये वादी समाधि हम झूठ मानते हैं, क्या हम मालकोस बगैर मध्यम के नहीं गा सकते हैं? तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया बगैर मध्यम के हम मालकोस। देखिए मालकोस का स्वरूप है, तो वादी समाधि क्या जरूरत है। तो गुरुजी के पिताजी ने कहा कि जरा खान साहब जरा किदारा तो बढ़िए मध्यम के बगैर, वादी समाधि जरूर नहीं लेकिन आप किदारा बढ़िए, मालकोस तो आपने गा लिया, बगैर मध्यम के किदारा गाइए। तो इस ऐसी सब बातें होती हैं। लेकिन उस जमाने में अब्दुल करीम खान साहब को जो उन्होंने सुना था, उस गायन का असर भी उनके मन में काफी हुआ
और फिर वो बंबई चले आए और 1916 तक वो पंडित जी से सीखते रहे। तब तक गायन उत्तेजक मंडली बंद हो चुकी थी और भातखंडी स्वयं एक क्लास फोर्ट एरिया में शारदा संगीत मंडल के नाम से चलाते थे। यहां कई पारसी लोग आते थे। वहां गुरुजी का गायन हफ्ते में एक दिन होता था और उसी समय सयाजीराव महाराजा को ये मालूम हुआ कि सामूहिक रूप से संगीत की शिक्षा कहीं दी जाती है, तो उन्होंने खोज करते हुए वहां पहुंचे, इनकॉग्निटो में वहां जाके देखा तो पंडित जी वहां बोर्ड पर कुछ स्वर लिखते लड़कों से गवा रहे थे। अब जो सीना बसीना तालीम एक और चीज है और समाज में सांगीतिक जागृति लाना, ये एक उनका ध्येय रहा। कम से कम कानसेन तो पहले तैयार हों, जो कार्य विष्णु दिगंबर जी ने किया वही थोड़े से सुशिक्षित समाज में गाना कम से कम समझने लगे, ताकि वो आगे गाना समझने लगे ठीक से। इस उद्देश्य से वो कई लोगों को उन्होंने सिखाना शुरू किया, तो वो बहुत प्रभावी हुए और बड़ौदा पैलेस पर भातखंडे जी को बुलाया, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने उस वक्त पूछा कि आपका कोई शिष्य है क्या, तो उन्होंने कहा कि फलाने फलाने दिन हमारा एक शिष्य गाता है, आप वहां आइएगा और सुनिए। तो उस रोज गुरु जी का गायन हुआ, सयाजीराव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि महारानी चिमणाबाई को हमको सिखाने के लिए एक शिक्षक की जरूरत है, तो तुम लड़के को बड़ौदा भेज दो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, कहिए, मैं अवश्य भेजूंगा। यहां तक कि उनकी आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं थी, इसलिए कुटुंबियों को सभी को मुफ्त शिक्षा वहां का प्रबंध करवाया गया बड़ौदा में, और उनको 25 रुपए स्कॉलरशिप महीना मिलने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, वो भले महारानी साहब को गायन सिखाए लेकिन आप अगर फैयाज खान साहब के पास इनको सिखाने का प्रबंध करते हैं तो मैं भेजने को तैयार हूं। उद्देश्य क्या था, उनके और भी शिष्य थे भातखंडे जी के, वाड़ीलाल शिवराम थे, शंकरराव कर्नाड जी थे, और भी कई लोग थे, लेकिन एक गायक के तौर पे उनको एक शिष्य तैयार करना था। और इस दृष्टिकोण से वो चाहते थे कि रतनजनकर जी को खास आपके पास भेजिए। और जैसा कि हमारे गुरुजी ने मुझे कहा, भातखंडे जी ने जब उनके पिताजी को कहा कि इस लड़के को आपको बड़ौदा भेजना है, तो उन्होंने कहा आप खुद सिखा रहे हैं इनको, क्यों बड़ौदा क्यों जाना है। देखो दो तीन मेरे मकसद है, एक तो तुम्हारे सभी बच्चों के शिक्षण का प्रबंध वहां होगा, बंबई से रहन सहन का खर्चा भी कम रहेगा, साथ साथ मेरा उद्देश्य जो है, मैंने उनको सिखाया अवश्य है, मैं खुद महफिल में नहीं गाया, ये सोचने की बात। कितना भी कोई विद्वान हो, महफिल जमाना एक अलग चीज होती, तो इसके लिए इसको कोई ज्यादा राग, तो मैंने कई राग रागनियां सिखाई हैं विद्या के लिए नहीं, लेकिन एक महफिल के गायक के सोबत करने के लिए, तो वो मंच का रंग जो है
उसके आदि हो जाएंगे और उनको काफी फायदा होगा उससे। तो तुम मेरे कहने पर इनको भेजो। और उस समय भातखंडी जी ने सभी देश में पर्यटन करते हुए खांसा फैयाज खां में कुछ बातें पाई थी कि यही योग्य व्यक्ति है, और इस तरह से 1918 में जब पहली कॉन्फ्रेंस हो चुकी, जिसमें वो गाए भी थे पहली कॉन्फ्रेंस में बड़ौदा में, बड़ौदा भेज दिया गया। तब तक बड़ौदा कॉन्फ्रेंस में गा चुके और पिताजी उनको लेके बड़ौदा गए, तो खंडेराव मार्केट में सुबह घूम रहे थे तो फैयाज खां साहब को देखा। तो मैंने कहा कि पिताजी ने कहा यही तुम्हारे गुरु जी हैं, तो उन्होंने जाके चरण स्पर्श किया। तो कहा कौन हो भाई, तो पिताजी ने कहा ये ऐसा ऐसे हैं आपके पास, अच्छा अच्छा पंडित जी ने भेजा है, तो कल से शुरू करेंगे, कल घर पे आ जाइएगा। तो दूसरे दिन घर पहुंचे, गुरुजी कहते थे कि मैंने उनको उस वक्त वो खासा भी जवान थे, ही वॉज इन अर्ली थर्टीज, 25 और 30 के बीच में उनकी उम्र थी, और उनका पर्सनैलिटी तो क्या कहने हैं। वो उसको देखते हुए उन्होंने, गुरु जी ने कहा मैं तो अपने को धन्य समझ गया कि ऐसे व्यक्ति के चरणों में मैं जा रहा हूं। दूसरे दिन गए तो उनका कि गंडा बांधना पड़ेगा, ठीक है तो क्या करना होगा, वो कभी उनको मालूम ही नहीं गंडा बंधन यानी क्या होता है। सर उनका कि दो आने ले आना, दो आने का गुड़ और चना मंगवाया था और उसमें शागिर और कुछ नहीं, एक कौड़ी फूटी कौड़ी उसके पास कुछ नहीं, सिर्फ दो आने का खर्चा गुरुजी को करना पड़ा। और गंडा बंधन होने के बाद शुरू हुआ, लेकिन क्या हुआ खां साहब को फुर्सत नहीं मिलती थी, वो भी जवान थे, और जब दरबार में गायन होता था ये स्कॉलर होने की वजह से इनको उनके साथ गाना पड़ता था, उनको भी अब उनके ढारे स्वर में इनको गाना, तो उनको उसी तरह से मट्ठा भरना रियाज करना उनको पड़ता था क्योंकि उनके साथ सुर लगाना है। पंडित जी अक्सर बड़ौदा जाया करते थे, अपने शिष्य का प्रोग्रेस कैसा क्या चल रहा है वो देखते रहते थे। 5 साल तक ये क्रम चालू रखा, मैंने उनकी कॉपी भी देखी है, जो जो गीत उन्होंने खां साहब से सीखे शायद ही 5 साल में 25-30 अस्थाइया उनको सिखाई होंगे, लेकिन इतना गाने का मुहावरा हुआ कि कहा कहते हैं लोग कि फैयाज खां साहब की फोटोकॉपी थे गुरुजी। उस जमाने के जितने लोगों ने उनको सुना है उन सभी ने मुझे कहा है कि तुमने क्या सुना है तुम्हारे गुरुजी को, वो फैयाज खां साहब की फोटोकॉपी थी। और खां साहब भी कहते थे ही इज माय स्पिरिचुअल हेयर। खां साहब का वो जवानी का गाना तो, और घर के बाहर का जितने शागिर्द थे उसमें सबसे पहले श्रीकृष्ण रतनजनकर, तो उस जमाने में उनको गायन करना था गायक के तौर पर। 23 में बंबई वापस आए, फिर तब तक 2-3 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी, लखनऊ में 24 और 25 को कॉन्फ्रेंसेस हुई, बाद में वहां मैरिस कॉलेज की स्थापना हुई 1925 में, और सर विलियम मैरिस जो वहां के गवर्नर थे वो उस तालुकदार इंडियन म्यूजिक एसोसिएशन नाम की एक संस्था थी उसके वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्हीं के नाम से वो कॉलेज शुरू हुआ मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। वहां उस वक्त छोटे मुन्ने खां
खलीफा आबिद हुसैन खान साहब और नसीर बाबा नसीर तानरस खान साहब के बेटों में से नहीं छोटे मुन्ने खान साहब थे। ऐसे कई गुणीजन थे और उस समय क्या बात हुई कि कॉलेज तो स्थापना हुई, सीखने वाले कोई नहीं। तो उस जमाने में लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए राधा कुमल मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, दुर्जटि प्रसाद मुखर्जी, ये लोग अपने वॉलेंटियर हुए और वो शागिर्द बने। तो पहला नाम कॉलेज में दुर्जटि प्रसाद मुखर्जी का है, पहला नाम कॉलेज में। फिर राधा कमल मुखर्जी है, राधा कुमुद मुखर्जी है। फिर बाद में सभी लोग आने लगे। फिर वो कॉलेज शुरू हुआ, वो शिक्षण के तौर पे, म्यूजिशियन के तौर पे मैं कहूं। उन्होंने जो शोहरत और हासिल की थी वो इतनी प्रभावी थी, उस जमाने में ऐसा गायक बहुत कम गाने वाले थे। ये दिलीप चतुर्वेदी जी ने मुझे कही बात, वो बाद में बोलूंगा। तो खैर म्यूजिशियन तो वो थे ही, यहां तक कि गुरुदेव ठाकुर ने भी उनका गाना सुना और वो कहते थे भातखंडे जी को इसको मुझे दे दो। यहां मालविया जी, मदन मोहन जी, वो कहते कि श्री कृष्ण को मुझे, मैंने कहा मेरे पास श्री कृष्ण एक ही है, कहां कहां मैं उनको दूं। और उधर उमानाथ बलि भी उनको चाहते थे। फिर दिलीप रॉय ने उनका गाना सुना और हमारे मालविका के फादर और हेमेन बाबू, इनको भेजा उनके पास सीखने के लिए। पहाड़ी बाबू, अम्बिक मुजुमदार और कांजीलाल, कई लोग उनके पास आए सीखे। रोशन म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी 5 साल से उनके पास सीखा हुआ। तो बाद में वो शिक्षण में गए। वो क्यों? तो जब गाने लगे, तब जब कॉलेज की स्थापना हुई तो उन्होंने, वो हमारे गुरुजी को बाबू कहते थे, बाबू तुमको लखनऊ जाना है। तो उन्होंने कहा कि वो राव साहब कहते थे उनको, भातखंडे जी को, राव साहब मैं तो वकील बनना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, मैं शिक्षक नहीं बनना चाहता। तो उनके पिताजी ने कहा मेरे घर से निकलो, जिन्होंने तुम्हें कुछ एक कौड़ी भी नहीं थी, इतनी विद्या दी, उनके काम के लिए तुम उनको मदद नहीं करोगे, तुम मेरे लड़के नहीं हो, घर से निकलो, उनके जाओ, वो जो कहेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। तो अपनी म्यूजिशियनशिप को गमाते हुए वो कॉलेज पहुंचे और जिन हालतों में वो कॉलेज शुरू हुआ उसके बाद वो एक संगीत का तीर्थ क्षेत्र बन गया था। ये हमारे भाई इधर बैठे हुए उनको भी मालूम है कि लखनऊ में ऐसा कोई भी गायक या वादक जो लखनऊ पधारा हुआ है और वो कॉलेज में न पधारा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक गायक की दृष्टि से कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी व्यक्ति है जो यमन और लक्ष्मी तोड़ी एक ही समान अधिकार से गाने वाली हो तो वो श्रीकृष्ण रत्नजनकर है। यमन जैसा विस्तृत राग और लक्ष्मी तोड़ी जैसा कठिन राग, दोनों समान अधिकार से, समान सरलता से गाने वाला कोई व्यक्ति होगा तो श्रीकृष्ण रत्नजनकर है।
जैसे मैं हमेशा कहता हूं, खान साहब से बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े गायक थे, लेकिन खान साहब से ऐसा गवैया दूसरा नहीं हुआ। उसी प्रकार रतनजनकर से भी बहुत बड़े गवैये थे, लेकिन रतनजनकर जी जैसे गवैये कई गवैयों ने मुझे यह कहा, और एक ने तो कहा, एक ही शब्द में कहूंगा, किसी ने उनसे पूछा रतनजनकर जी के बारे में, अरे तुमने क्या रतनजनकर की सुना है, रतनजनकर तो रागों के बाग लगा से थे। एक बहुत मार्मिक वाक्य है, रागों के बाग लगाते थे। अब देखिए, बाग लगाना और बगीचा लगाना फर्क, एक पार्क भी होता है, एक हाउस गार्डन भी होता है। हाउस गार्डन जिसको हम कहते हैं, घर के आजू बाजू में बगीचा होता है, उसमें कई जात के पेड़ लगे रहते हैं। कुछ पेड़ सिर्फ साये में पलते हैं, कुछ धूप में बढ़ते हैं, कुछ पेड़ों को साया और धूप दोनों की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राग में सुर को किस सुर को कितने प्रमाण में कितने अंश में लगना चाहिए ताकि वो राग सही हो, ये जो चीज थी वो मैंने भी कई लोगों को सुना, लेकिन वो जो तासीर उनके गायन में थी, वो जैसे समझाते थे बारीकियां, शायद किसी इसने क्लैरिटी से समझाकर गाना, मैंने कई उस्तादों को सुना और सीखा भी, तो वो म्यूजिशियनशिप उनमें थी। मैंने उनके कई महफिले, चूंकि मैं उनके घर पे रहता था, उनके पास सीखता था, बॉम्बे में 1940-42 तक जब भी वो समर वेकेशन में बम्बई आते थे, कम से कम 4-5 म्यूजिक सर्कल में उनका प्रोग्राम होता रहता था। और आपको आश्चर्य होगा कि उनके ऑडियंस में 75 से अधिक लोग गाने बजाने वाले ही लोग रहते थे। क्यों? रतनजनकर जी का गाना है तो सब गायक वादक बैठे रहते थे। तो उस व्यक्ति ने यही कहा कि जिसके सुर और राग गुलाम है उसको और क्या चाहिए, जिसके सुर और राग दोनों गुलाम है उसके लिए और क्या बात होनी चाहिए। कोई भी राग आप जोग साहब से पूछिए, किसी भी राग को शुरू कर दे वो तो बस शुरू हो जाते थे। और चाहे ट्रेन में सफर कर रहे हों या घर में बैठे सिखा रहे हों, उनके लिए कोई फर्क नहीं होता था। या हमको मूड में आना है, ये भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनका मूड हमेशा बनाए रहता था। इतना ही है कि कॉलेज को बनाने में जिन्होंने अपनी म्यूजिशियनशिप को गमाया, वो सिर्फ एक गुरु के आज्ञा के लिए। ऐसा आप समझिए कि जो इतना प्रतिभाशाली गायक होगा वो अपना म्यूजिशियनशिप सिर्फ एक गुरु के वचन के लिए छोड़ देगा, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस शायद कोई करेगा आज के जमाने में। जिसको प्लेटफॉर्म पर है, दिलीप चंद्र वेदी ने उनके कॉन्डोलेंस मीटिंग में कही थी बात, दिल्ली में संगीत नाटक एकेडमी में जब रेजोल्यूशन पास हो गया था, तब वो रेजोल्यूशन पास होने जा रहा था, दिलीप चंद्र वेदी जी खड़े होके क्योंकि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, तो चेयर ने कहा कि हाँ जरूर कहिए। तो उन्होंने इतना ही कहा कि रतनजनकर और दिलीप चंद्र वेदी ये एक अजब रिश्ता है, वैसे तो मेरे बड़े गुरु भाई, सबसे पहले खान साहब के पास श्रीकृष्ण रतनजनकर पहुंचे, लेकिन श्रीकृष्ण रतनजनकर और दिलीप चंद्र वेदी जब सामने सामने निगाह हो जाती थी तो बगैर झगड़े के वो अलग नहीं होते थे, ये तो उनका रिलेशन था। वही दिलीप चंद्र वेदी आज ये कहना चाहता है
कि अगर रतनजनकर गाते रहते तो शायद मुझे भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने गुरुजी के वचन के लिए उनकी इच्छा के हिसाब से अपना म्यूजिशियनशिप मिटा दिया। उनको कई बार लोगों ने पूछा, साहब आपने जिंदगी में हासिल क्या किया? तुर्का को मैंने कुछ नहीं हासिल किया है, लेकिन हाँ मेरे पश्चात एक 5-6 लोगों को मैंने तैयार किया है, बस वही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे एक प्रभावी गायक और शिक्षक का जहां तक सवाल है, उनके शिष्यों में अलग अलग दिशा में कार्य करने वाले शिष्य रहे। अभी जैसे मैंने कहा, पहाड़ी बाबू ने फिल्म ले लिया, वो फिल्म के गायक हो गए, फिल्म के एक्टर हो गए। रोशन लाल ने म्यूजिक डायरेक्शन शुरू किया, कई लोगों ने ऑर्गेनाइजर के हिसाब से संस्थाएं खोली, कुछ लोग म्यूजिकोलॉजिस्ट हो गए, कुछ लोग एजुकेशनिस्ट हो गए, गायक लोग बहुत थोड़े। वो तो भटखंडे जी भी से भी सीखी हुई थी। अम्बिक मुजुमदार जो थे, बहुत अच्छी आवाज थी, मेरे गुरुजी कहते थे वो ऐसी आवाज बहुत कम रहती थी। वो मैडम मेनका के साथ जर्मनी चले गए एज म्यूजिक डायरेक्टर मैडम मेनका के ट्रुप में, और वही जर्मनी में जाके बसे, शायद दूसरी लड़ाई में वो मारे भी गए, लेकिन वो बहुत अच्छे गाते थे। एक कांजीलाल थे। तो कई शिष्य उनके पास, हम जब उनके पास पहुंचे तब उन्होंने हमें कहा कि मेरा गाना जब खत्म हो गया तब तुम लोग आए हो। कई बार इनको भी वही बात कही उन्होंने, मेरा गाना खत्म होने के बाद तुम, उस जमाने में हमने उनका जो गाना सुना, गायक के तौर पे एक बात अभी याद आई, मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा जो मैंने अनुभव की है। इतना गाना गिरा हुआ तब भी वो रेडियो प्रोग्राम, एक बार उनको सुबह रेडियो में गाना था, तो एक हफ्ते पहले मेरे बड़े गुरु भाई भट्ट, SCR भट्ट, उनको लेकर वो खट की तालीम दे रहे थे कि खट गाएंगे, उनको साथ में गवाना था तो उनको तालीम दे रहे थे। रोज मुकुट माथे धरे शुरू होता था सादरा, उनको सिखाते थे, उसकी बढ़त सिखाते थे। और वो उस जमाने में भी खुद अपने घर से तंबूरे उम्बरे स्टूडियो में ले जाते थे, उनकी गाड़ी आती थी उनको लेने के लिए। तो वो सुबह कपड़े पहन रहे थे, गाड़ी आएगी चलेंगे, तो चाय पीते पीते भट्ट साहब ने तंबूरे मिलाए घर पे, जरा देखेंगे जरा वातावरण तैयार हो। तंबूरे मिलकर कहेंगे, आज मैं शुद्ध भैरवी गाऊंगा, शुद्ध भैरवी गाऊंगा, और ध और ग यही संगति शुरू थी। और जब गंधार लगे तो साहब रोमांच हो जाता था। मैं कहा, भट्ट साहब ये क्या हो रहा है? वो कहते, वो देखो ये क्या हो रहा है। और दूसरे एक हजारीलाल हमारे यहां तबला बजाते थे कथक क्लास में, उनको कहा आज मैं धमार गाऊंगा तो तुम पखावज ले लेना। वो भी बैठा, अरे छोटू बाबू देखो ये क्या होता है। हम लोगों ने तीनों ने वो अनुभव किया कि वो गंधार की जो तासीर थी, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे जहां गंधार लग गया। वो ऐसा कुछ वातावरण, इतने में गाड़ी आई, वो वहां गए, गाए भैरवी, लेकिन वो जो चीज घर में बैठे हुए थी वो वहां नहीं थी। तो सुरों का असर भी क्या होता है ये हमने अनुभव किया है उनके गले से। बाद में एक परिस्थिति के हिसाब से उनके और भी कारणों की वजह से, फिर इसीलिए मैं कहता हूं आजकल के लोग पीढ़ी जो है उनके गायन से वंचित हो गए, उनका सही गाना जिन्होंने सुना है उनको उसका अंदाजा हो सकता है। अब रही शिक्षक की बात, उनके यहां अलग अलग
बुद्धि के विद्यार्थी आए। मैं जब उनके पास पहुंचा, मेरे भाई साहब उनके पास ले गए। मैं बचपन में नाट्य संगीत गाता था। मैंने अपना पहला कार्यक्रम जिंदगी का उम्र के छठे साल में दिया, 2.5 घंटे पब्लिक प्रोग्राम। मैंने 2.5 घंटे का नाट्य संगीत का प्रोग्राम पहला किया जब मेरे साथ कुमार थे। कुमार और मैं, तब से हम लोग बाल बन कुमार गंधर्व। तब वो हम नाट्य संगीत गाते थे, तो भाई साहब ने हमको 2-4 चीजें सिखाई थी। वही अन्ना साहब की पुस्तक में से 2-4 गायन मुझे, वो छुट्टी में जब आते थे बम्बई से तब उन्होंने 4-5। तो जब मैं अन्ना साहब के पास पहुंचा 1936 में, तब उन्होंने मेरी टेस्ट ली। हाँ, गाओ तो जरा, क्या आता है तुम्हें? तो मैंने 1-2-3 नाट्य संगीत सुनाए उनको। और फायदा यह था कि जो नाट्य संगीत हमारे यहां पुराने नाटकों में थे, वो किसी न किसी बंदिशों पर आधारित थे। तो उस किताब में लिखा रहता था, अमृतची गोपाला गर्जत आए या चालीवर, रागसुर मल्हार बघुनको मजकड़े केवरवणा कालिंगड़ा, अलग अलग गीतों पर सुजन कसा मन चोरी, फुलवन से जसवारू रागभूप। ये सब अस्थाइयों के उस बंदिशों के उस जो तर्जे दी थी, वो बालकृष्ण बाबू वजे या भास्कर बुआ, ये दो इन म्यूजिक डायरेक्टरों ने नाटकों में तर्जे दी थी। तो वो आउटलाइन के ऊपर से रागों का तो कुछ ख्याल था, तो उन्होंने नाट्य संगीत तो मेरा सुना। फिर भाई जी ने, भाई साहब ने जो 2-4 गीत सिखाए थे वो मैंने गा दिए। अच्छा, अब मैं गाता हूं, तुम गाओ मेरे साथ। तो वो जो गाए मैं अनुकरण करूं, वो भी देख लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब गाता हूं, कौन सा राग पहचानो। अब वो जानते थे कि मैं नाट्य संगीत तक की मेरी सीमा है, तो उन्हीं रागों में वो अलग अलग गाते थे। मुझे कोई वादी सारे गम कुछ मालूम नहीं था। तो वो गाए, तो मैं कहा फलाना राग है, ढकाना राग है, अच्छा कल से शुरू करेंगे। तो दूसरे दिन से मुझे उन्होंने भैरव की तालीम देना शुरू की। भैरव से मेरी तालीम शुरू हुई और 1.5 साल तक नोमतोम आलाप मुझे सिखाया उन्होंने, भैरव। रोज 1-1.5 घंटा मुझे लेके बैठते थे और नोमतोम आलाप मुझसे करवाते थे। ये गुरुकुल विद्या मैंने पाई। 1.5 साल के बाद जब मैं उनके साथ लखनऊ गया, स्कूल में भी जाता था, सिर्फ संगीत ही नहीं किया, मैंने स्कूल की पढ़ाई भी की है। तो स्कूल जाने से पहले सुबह रियाज करता था, स्कूल चला जाता था, फिर शाम को आने के बाद कॉलेज में मैं घूमता रहता था। और फिर भी आप ये देखिए कि जब वो गाने बैठते थे, उनके साथ पीछे तंबूरे पे बैठ जाता था। मैंने कहा मैं जैसे गाता हूं वैसे गाते रहना। फिर वो सुरमलार गाए या गौरी गाए, हम उनके साथ गाते रहते थे। कुछ सीखा तो है नहीं। और उस टाइम से जो जो अस्थाई अंतरे वो गाते थे मेरे दिमाग में वो रिकॉर्ड होता जाता। उस वक्त तो कैसेट नहीं थे, लेकिन हमारे दिमाग का कंप्यूटर से कैसेट हो जाता था वो। आपने 3-4 दिन जो मुझे सहवास में, आपके सहवास में मैंने बिताए हैं, वो उसी का नतीजा है कि अजानते हुए उनसे ऐसी भी शिक्षा मैंने पाई। और जब वो राग डिटेल में सीखने का मुझे मौका मिला, तो मुझे बहुत आसान हो गया, क्योंकि वो गाने की जो लहज है वो तो डायरेक्ट मेथड से मैं सीख रहा हूं। फिर सिर्फ इशारे चलने थे। और शिक्षक के तौर पे उनकी एक खासियत ये थी,
वो कभी अपना अनुकरण करवाते नहीं थे। जोक्स आपको बेहाल हुए, तुम अपनी कहो मेरी मत कहो। मैंने गाया, हम लोगों का क्या दृष्टिकोण था कि ये चीजें हम उनके पीछे गा रहे हैं तो वो जो दोहराए उसी को दोहराना हम सीख ले। वो तुमने सुन लिया है, अब अपनी कहो कुछ नहीं। जोक साहब भी शुरू करे, नहीं नहीं तुम अपना कहो। हम लोग आवाज पीछे गाने लगे, तुम अपना दूसरा एंगल ले लो। उसमें से उनको और भी अलग एंगल सूझता था। और जैसी जैसी बुद्धि हो, अब देखिए मुझे भी उन्होंने शिक्षा दी है, SCR भट्ट को भी शिक्षा दी है, दिनकर कायकिनी को भी शिक्षा दी है, सुमति मुटाटकर को भी शिक्षा दी है। सब एक साथ एक बैठक में बैठते हुए, किसी को अलग से शिक्षा नहीं। मुझे घर पर शिक्षा जो मिली, उसके बाद उन्होंने तोड़ी 3 महीने सिखाए आलापी, फिर बाद में मारवा सिखाया, पूर्वी सिखाया, आसावरी, इसके बाद कहा कि तुम कॉलेज ज्वाइन करो। और उनके साथ तो रहता ही था मैं, गाने का सहवास तो उनके साथ था। इतना होते हुए उन्होंने सबको कहा तुम्हारा जो आइडियल है वो तुम ले लो। 7 अंधों ने एक हाथी को देखा था, अलग अलग उसने उसके स्वरूप मन में किए। वैसे जिस शिष्य ने उनको जिस दृष्टिकोण से देखा होगा उसने उनसे वो विद्या पाई। वो कभी कहते नहीं थे कि मेरा अनुकरण करो। जिसकी टेम्परामेंट जैसा होगा वो। और एक बात और मैं कहूंगा उनके एक शिक्षक के नाते, जब मैं उनके घर पे था उस समय रेडियो स्टेशन तो बहुत इने गिने थे, दिल्ली बंबई कलकत्ता ये 3 ही स्टेशन थे, बाद में और स्टेशन खुले। और मैं चूंकि बंबई में था, उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो भी नहीं हुआ था, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से था, तो उस रोज नेशनल प्रोग्राम होते थे, अच्छे कलाकारों का प्रोग्राम 9:30 से 11 बजे तक एक ही सिटिंग होती रहती थी। कभी फैयाज खान साहब गा रहे हैं, कभी अब्दुल करीम खान साहब गा रहे हैं, कभी वजेबुआ गा रहे हैं, कभी रजे अली खान साहब का प्रोग्राम है, ऐसे एक एक सिटिंग होती थी। तो रात को, और रेडियो उस जमाने में नई एक चीज थी, मैं तो एक विलेज से बंबई आया हुआ था, तो उनके घर पे रेडियो था तो मैं खोलता था। आपको ताज्जुब होगा, जिन कलाकारों का नाम हिंदुस्तान भर हुआ था उनमें से चंद कलाकारों का गाना जब रेडियो पे रहता था उनके बंद करो। अब उनके सामने अपील तो है नहीं, बंद कर दो। कुछ लोगों का गाना वो सुनने देते थे। ये क्यों होता है? हम तो, और उनसे तो हम बहस तो नहीं कर सकते थे, बंद करो तो बंद करो। ऐसे लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि 5 साल के बाद जिन कलाकारों का गाना उन्होंने न सुनने के लिए कहा था उनके पीछे तंबूरा लेके हमको साथ करने के लिए कहा उन्होंने। जिनका गाना मत सुनो कहा था उनके पीछे तंबूरा लेके भी हमको बिठाया। उस जमाने में शायद ऐसा कोई कलाकार जो लखनऊ पहुंचा होगा जिनके साथ संगत हमने नहीं किया, ऐसा कोई नहीं, इनको मालूम है। छोटा आर्टिस्ट हो बड़ा आर्टिस्ट हो सबके पीछे गाना, क्योंकि ऐसे बैठ के सुनने से पीछे साथ करने में हमारा अटेंशन अधिक होता है, क्योंकि उनका साथ करना पड़ता है हमें, वो किस अंग से जा रहा है उसी की साथ संगत करनी है। तो इसलिए हम हमेशा तंबूरे पर बैठना पसंद करते थे। और फिर हमारे टेम्परामेंट में जो जो बातें हमको अच्छी लगी वो इम्बाइब होती गई। तो एक उनका शिक्षा देने का ये भी एक तरीका था। और जहां जहां भी कोई अच्छी हरकतें रहती थी बाद में कहते थे तुमने सुना पुराने आर्टिस्ट को कैसा लगा, क्या चीजें लगी,
उसमें ये फिरकत थी कि क्या खूबी थी, फिर डिस्कशन होता था। यानी उनका सिखाने का तरीका इस प्रकार का रहता था। और चूंकि बचपन से मैं उनके साथ रहने की वजह से उनके मिजाज को, उनके विचारधारा से मैं इतना हिल मिल गया, घुल मिल गया कि उसके अंतिम एक प्रमाण कहूं तो एक बंदिश उनकी बन जाने के बाद वो पहले कागज पर लिखकर मेरे पास भेजते थे और कहते थे कि मेरी ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है, वहां चली जाएगी तो फिर वो कहीं खोई नहीं जा सकती है, पहले उसकी वहां चली जानी चाहिए। फिर मुझे था कि मैं उसकी कॉपी बना के और शिष्यों गुरु भाइयों को दे दूं, लेकिन पहले मेरे पास, अगर मैं वहां न रहूं तो। और मुझे चिट्ठी आती थी, ये मैंने नवी एक कॉम्पोजिशन बनाई है, मैं जब आऊंगा तो सुनूंगा, और वो मेरे गले से सुनते थे। वो कहते कि हम जो चाहते वो गाएगा, वो समझता है इसमें क्या है, लिखना है उसको इंटरप्रेट करना वही जानता है। यहां तक कि आखिरी उनके अवसान के पहले वो बंबई आके रहे थे तो मैं रोज ही उनके पास जाता था, तो कभी मौज में आए, हाँ बैठो फलानी चीज सुनाओ ढकानी चीज सुनाओ, वो कहते तुम्हारे गले हमारी चीजें सुनने को हमको बहुत अच्छा लगता है, तुम समझते हो कि मैं क्या चाहता हूं। शिक्षण की एक पद्धति दूसरी भी एक उनकी, जोग साहब को उन्होंने कहा हां जोग कौन सा राग शुरू करेंगे, तो उनको देसी बहुत पसंद था, जोग साहब को भी बहुत देसी, जब भी वो आए सुबह का टाइम हो तो जोग साहब देसी शुरू कर देते थे, अन्ना साहब वो दैवत लगाइए जरा दैवत सिखाइए हमको। फिर वहां से फिर सारंग शुरू हो गए, अब देखो ये भी अंग देखो उसमें कैसे चल रहा है, ये भी अंग देखो, अलग अलग दृष्टिकोण आपको फीलर दे देते थे, फिर आप अपनी बुद्धि चलाइए उसमें। ये नहीं कि ब्रूमिंग चल रहा है घोटते बैठो, घोटवाना अस्थाई यंत्र है, लेकिन इसका आविष्कार करना, उनके सोबत में आप गाते रहना और आप अपने अलग से उसका आविष्कार करते रहना, और फिर बाद में वो मूल्य मापन करते रहते थे। और फिर जब हम लोगों को वहां डिमोन्स्ट्रेशन में गवाते थे, कॉलेज में डिमोन्स्ट्रेशन होते थे तो हम लोग गवाते थे और सामने बैठते थे, फिर वहीं गाते गाते महफिल में, जैसे आपके यहां मैंने सुना है कि हर स्कॉलर यहां हफ्ते में एक दिन गाता है, वैसे वहां कॉलेज में डिमोन्स्ट्रेशन भी होते थे और खुद वहां के बैठते थे, सुना तो हां चलो इस तरह से गाओ, अब इसको इस फिरके को बढ़ाओ, वहीं महफिल में चलो इस तरह से गाओ, वहीं इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते थे। कभी कभी सीखने में हम लोगों ने क्या किया, वो तो काम में इतने व्यस्त रहते थे, भट्ट साहब मैं और दिनकर, क्लास खत्म हो गया तो उनके कमरे के बगल में हमारा कमरा था, तो चलो खाना खाने के लिए भी बहुत देर है तो बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, तंबोरा निकाला बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी कभी उनसे रहा नहीं जाता था, काम वाम छोड़ के आके बैठ जाते थे, उनको हम अपने रियाज से खींच लेते थे अपने पास, और फिर चार चार पांच पांच घंटे शुरू हो जाती थी महफिल। कभी कभी उल्टा होता था, वो अब थके मांदे अपने कमरे में आके चेंज करते हुए, कैंप चेयर थी उनके, वहां बैठे कुछ गुनगुनाने शुरू करते थे,
तो जिस अभी वो गुनगुनाए में कोई फिक्स नोट तो होता नहीं, कोई सुर ले लिया, हम लोगों ने अन्ना साहब गुनगुना रहे हैं, झट से कमरे में तंबूरा उसी सुर में मिला लिया। तो भट्ट साहब तंबूरा बजाते बजाते उनके कमरे में पहुंचे, मैं एक डग्गा लेके पहुंच गया। अच्छा बैठो, फिर वो मूड में है और भी मूड में आ जाते थे, फिर तीन तीन चार चार घंटे में, फिर रात को दो बजे क्या, ढाई बजे क्या, तीन बजे क्या, शुरू है गाना बजाना। तो इस तरह से हम लोगों ने कोई भी अपॉर्चुनिटी खोई नहीं, सिर्फ क्लास में बैठ के हम लोगों ने नहीं सीखा। और उनका दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं रहता था, कोई भी आके कभी भी कुछ भी पूछ सकता था। इतना ही था कि उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग दूर से डरते थे उनके पास आने के लिए। उनका एक बोलने की आवाज एक ऐसी लगती थी वो कठोर है, लेकिन जिन्होंने उनको पहचाना है वो उनके इतने नजदीक गए हुए हैं, वो आपको जो गाइडेंस चाहिए हो वो बराबर मिलता रहता था। म्यूजिशियन के हिसाब से जब उनको, हमारे राजा भैया जी कहते थे, उनका एक नियम था जब राजा भैया जी रहते थे तब उनको गायन के बगैर कोई चयन नहीं थी रहती थी। परीक्षा के टाइम पे रोज गाना बजाना, रात को फिर ये चीज सुनाइए वो चीज सुनाइए, राजा भैया जी भी गाते थे। तो इस वजह से अलग अलग अस्थाइया जो हमको सुनने का सौभाग्य और हुआ, फिर बस वो एक बार सुन लिया तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आपको जो इतनी सारी चीजें मैं सुना सकता हूं उसका कारण यही है कि निकट सान्निध्य और उनकी कृपा। मैं इतना ही समझता हूं कि उन्होंने एक दृष्टि हमें दी और विशालता दी, संकुचितता नहीं थी उनके विचारधारा में, संकुचितता नहीं थी कि ये हम ऐसे ही गाना चाहिए ऐसा ही है, नहीं देखो दूसरा क्या कर रहा है उसमें उसको सुनो और चार लोगों से चर्चा करो, कोई वो दावा नहीं रहता था। जब वो रचनाकार पर मैं शाम दोपहर को आऊंगा तब बहुत सी बातें हूं कहने के लिए, रचनाकार किस कोटि के थे। लेकिन शिक्षक के लिए एक बार एक अंबेकर साहब थे, आप ही के साथ काम करते थे बॉम्बे रेडियो में, उन्होंने एक राग बनाया था और उनको बेचारे को रचना करने नहीं आती थी, तो उन्होंने बोनल नागी जो शुद्ध कल्याण का बहुत बड़ा प्रसिद्ध ख्याल है उसको उस राग में गाते थे, उन दो बार ब्रॉडकास्ट भी किया। तो ऑडिशन के जमाने में वो जोग साहब के पीछे लगे कि हमको ये अन्ना साहब को सुनाना है उनको ये राग, तो उन्होंने कहा कि तुम जाके उनसे बोलो ना, वो डरता था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि अन्ना साहब के साथ तुम जाना गाड़ी में, तो बहुत हिम्मत करके एक दिन वो अन्ना साहब के साथ चले गए। घर पे जाने के बाद तो अन्ना साहब को कह गए मुझे थोड़ा सा काम है, बैठिए बैठिए। तो बैठने के बाद उन्होंने कहा मैंने एक राग बनाए हैं तो उसको जरा सुनिए। तो उन्होंने वही बोलन लागी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो इतना बड़ा प्रसिद्ध ख्याल है, इसको क्यों बिगाड़ रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा साहब हम रचनाकार तो है नहीं। अच्छा बैठो, 15-20 मिनट में उन्होंने अस्थाई और अंतरा विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल बना के कहा कि ये ऐसा ही है ना तुम्हारा राग, ये ले जाओ चीजें और इसको गाओ। वो उन्होंने जान पहचान वाला आदमी, लेकिन मैं कहने का है जो विद्या का अभ्यासु है उसके लिए उनका दरवाजा कभी कोई बंद नहीं रहता था। कोई भी कभी भी आए, रात के 12 बजे भी आए तो वो
अगर आप जेन्युइनली आएंगे, इतना ही था उनका कि गुरु के ऊपर किसी ने कुछ आक्षेप किए तो फिर उनसे सहा नहीं जा सकता था। वो स्वाभाविक है, किसी भी विद्यार्थी को लगता है। फिर वो कहते कि तुमने फलाना देखा है, फलाने दृष्टिकोण से देखा है कि नहीं, क्योंकि वो जिस दृष्टिकोण से उन्होंने अपने गुरु को पहचाना था। और गुरु भक्ति तो कितनी होती थी, एक बार मैंने अपने आंखों से देखी है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। हमारे वल्लभ संगीतालय में स्वामी वल्लभ दास जी थे, कोजा करी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग चांदनी रात में बैठे हुए थे। स्वामी जी ने कहा खान साहब के रिकॉर्ड लगाएंगे, तो चांदनी रात में बैठे टेप रिकॉर्डर पर खान साहब का यही मारू बिहार के रिकॉर्ड हम लोग लगाए थे। तो गुरु जी को जाना दूर था, तो रिकॉर्ड शुरू होते होते बैठे थे, उसके पहले और भी रिकॉर्ड लगे थे। तो स्वामी जी मैं चलता हूँ, वो वहां से उठे, उठते वक्त भी उस रिकॉर्डर को उन्होंने प्रणाम किया और उठे। गुरु का गायन चल रहा है, मैं बीच से कैसे उठूं, ये भी उसने भी उनको लिहाज रह रहा था। तो उस रिकॉर्डर को उन्होंने प्रणाम किया और उठे। और ऐसा कोई भी साल गया नहीं है जब फैयाज खान साहब अन्ना साहब के पास आए न हो। ये एक भावना भी होती है गुरु प्रत्यय। तो शिक्षक एक गायक, मैंने पहले ही कहा कि इतने उच्च कोटि का गायक जिसकी कल्पना मैं शब्दों में नहीं दे सकता हूं, और क्योंकि आजकल की पीढ़ी उससे वंचित रही है। उस जमाने में रिकॉर्डिंग्स भी नहीं थी जो कि रिकॉर्ड करके हम उसको सुना सकते थे। जो उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो उनके आखिरी अवस्था में है, ये हमारा दुर्भाग्य। हमें कहना पड़ता है कि वो इस प्रकार इस कोटि के गायक थे। अब रचनाकार का जहां तक सवाल है, मैं समझूंगा कि दोपहर को एक बड़ी लंबी सेशन हम चलाएंगे जिसमें उनका दृष्टिकोण रचना के हिसाब से कैसा रहा, वो उसके बारे में हम अधिक विस्तृत फिर चर्चा करेंगे। तब तक विश्रांति लें। अवश्य देखिए, अब एक सुबह का टाइम है, जितंबरे छिड़ी, उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि हर एक राग एक पर्सनैलिटी है, हर एक राग एक व्यक्तिमत्व है, हम जहां से सुने लेकिन उसकी जान कहां पर है ये पहले समझ लो। अब एक वो रामकली गाना चाहते हैं तो इस संगति को बार बार घुटाते थे, इसके साथ साथ अब आगे पीछे के फिर के देखने लगे।
उसके जवाब सवाल ही मिले खास खास बात क्या है, एक सुर का लगाव उनके गायन को फॉलो करने के लिए किस सुर की शुरुआत किस कण से शुरू हुई है ये देखना पड़ता था। देखिए मैं सा पर बहुत कम आ रहा हूं, मेरा केंद्र वही पंचम पे कर रहा हूं। एक उदाहरण के तौर पे बस उसी को आज घुमा रहे हैं, ये आपके दिमाग में पहले हॉन्ट करता रहे। कभी उन्होंने कहा रे रे ना, इतना करते हुए मैंने कभी नहीं सुना।
अब एक दूसरा उदाहरण, गांधारी एक बार हमें शुरू किया, स्थान है उसके खास अंग हैं। ये पहले गुटवाना उनका हमेशा एक तरीका रहता था, ये नहीं कि उसका सीधा सीधा चलो, बाद में वो बंदिश बताते। फिर हमको उस बंदिश के आधार से वो स्वर स्थान और भी पक्के हो जाते थे, जैसे का जौनपुरी कैसे करोगे? बस यही शुरू कर देते हैं।
उसको जोड़ना देखिए ये एक फिरका हो गया सुनने को तो एक ही सा लगता है कॉम्पोजिशंस के हिसाब से मैं आपको दोपहर को उसको बताऊंगा उनकी जो कल्पना थी उनका एक सबसे बड़ी खूबी उनकी थी उन्होंने बंदिशें बनाई उसका पहले प्रास्ताविक मैं बताता हूं दोपहर के जहां आवश्यक है वहीं बंदिशें बनाई बंदिशें बनाने के लिए नहीं बंदिशें बनाई जहां जिन रागों में बंदिशों की कमी है उसमें तो उन्होंने बंदिशें बनाई लेकिन आम रागों में उन्होंने अगर उनको कोई बंदिश सूझी हो तो उन्होंने बनाई है नहीं कि हमको बंदिश बनानी है और एक राग की दो दो तीन तीन बंदिशें आप सुनेंगे तो उसमें एक फिरका ऐसा मिलेगा जो कि किसी और बंदिशों में नहीं है यानी वो इतना एक टुकड़ा काफी रहता था आपको आगे चालना देने के लिए ये भी गुंजाइश है ये भी हो सकता है बुद्धि चलाने के लिए वो एक स्कोप दे दे रही थी नहीं तो हम फिर और राग तो वही है अब कई उनकी बंदिशें उन्होंने कम लगभग 800 बंदिशें बनाई है उनकी 800 बंदिशें हैं जिसमें कि सरगम से लेकर ध्रुपद धमार सादरे होरी ठुमरिया टप्पे सभी शैलियां हैं उनको ठुमरी की तालीम कदर पिया के सुपुत्र से मिली लखनऊ घराने के वो हमने देखा है कई बार हुजूर कदर पिया जी के नवाब साहब आते थे श्री कृष्ण जरा हुजूर की ठुमरिया सुनाओ फिर वो बैठ के फिर शुरू हो जाते थे और ठुमरी ही गाते रहते थे जोग साहब ने कई बार उनको ठुमरी गाते सुना है लेकिन वो महफिल में नहीं गाए उनको एक उसका शौक था जिसका जहन जहां है फूड फॉर थॉट उन्होंने सबको दिया और चूंकि सबसे अधिक लाभ मुझे मिला तो इन सब शैलियों का अध्ययन उनके सानिध्य में करने का सौभाग्य मुझे मिला
सिखाया उन्होंने ध्रुपद धमार ख्याल। शिक्षक के तौर पे एक ही बात मैं आखिर में कहूंगा कि यानी वो विद्यार्थी की कैपेसिटी किस प्रकार से जानते थे। अभी याद आई बात, लगभग 1957 की बात है। उस समय संगीत सम्मेलन सप्रो हाउस में हुआ करते थे। डॉक्टर केसकर जी का यह दृष्टिकोण रहता था कि लिसनर्स को जितनी विविधता मिले लिसनिंग में उतना अच्छा है, इसलिए जो जो आर्टिस्ट को बुक किया जाता था उनको दो दो तीन तीन रागों का अल्टरनेट चॉइस दिया जाता था, उसमें से आप एक राग चॉइस करके हमें भेजिए, आप कौन सा राग गाने वाले, ताकि डुप्लीकेशन न हो और अलग अलग आर्टिस्टों को अलग अलग राग शेड्यूल किए जाए। ये उस वक्त की प्लानिंग थी। इत्तेफाक से उसमें मुझे और भट्ट जी को धमार का आइटम गाना था, और जिस वक्त प्लानिंग हो रही थी तो हमारे गुरुजी दिल्ली में ही थे, तो सुमति मुटाटकर जी उस वक्त डायरेक्टर प्रोग्राम्स थी, तो उन्होंने अन्ना साहब से पूछा कि हम इनको शेड्यूल कर रहे हैं ध्रुपद धमार के लिए, तो कौन से राग दें, सुबह की सिटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी तोड़ी दे दो, लक्ष्मी तोड़ी शेड्यूल करो। आप मुटाटकर जानती है हम लोगों को लक्ष्मी तोड़ी उन्होंने सिखाया भी नहीं है, और वो सम्मेलन को गाने के लिए उन्होंने लक्ष्मी तोड़ी शेड्यूल करो। अब मुटाटकर घबरा गई, तो उन्होंने एक सेफगार्ड के तौर पर लक्ष्मी तोड़ी, कोमल ऋषभ आसावरी और बिलास खानी तोड़ी, ये तीन राग लिखकर हमें कॉन्ट्रैक्ट भेजी। वो कॉन्ट्रैक्ट बॉम्बे स्टेशन से हमें मिला और उसी रोज हमको अन्ना साहब की चिट्ठी भी मिली। मैं पंजाब मेल से फलाने तारीख को आ रहा हूं, तुम और भट्ट मुझे मिलना। तो हम लोग उनके घर पर पहुंचे। पहुंचते ही पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, तुमको रेडियो से कुछ पत्र आया है? मैंने कहा जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट आया है, तुमको लक्ष्मी तोड़ी गाना है, चलो निकलो तंबूरे। भट्ट साहब और हमको तंबूरे निकलवाए, तालीम शुरू हुई साहब लक्ष्मी तोड़ी की। राग को बताते 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 होरी धमार की अस्थाई तो बन गई। एक करीब दो ढाई घंटे उन्होंने तालीम दी। दूसरे दिन सुबह हम लोग फिर गए। अब वो राग ऐसा कुछ नटखट राग है, समझ लीजिए 11 स्वरों का राग है, सिर्फ एक तीव्र मध्यम नहीं लगता है, बाकी सब स्वर लगते हैं उसमें, लेकिन अलग अलग अंगों से बनता है। सुबह का एक तालीम शुरू है तो जो कल का रंग था वो आज भी नहीं है, कुछ अलग ही लग रहा है। उस वक्त अंतरा बन गया। फिर शाम को फिर वो अस्थाई अंतरा हम लोगों को घुटाए और भी कुछ आराम दिए, और तीसरे दिन ये फिर टूर पे बाहर निकल गए, और 15 दिन के बाद हमको नेशनल प्रोग्राम अपने सम्मेलन में गाना। तो भट्ट साहब मुझे कहने लगे, अरे भैया कल कुछ और लगता था, आज कुछ लगता है और शाम को कुछ और लगता है, कैसे गाएंगे हम? मैंने कहा, तो भट्ट साहब डरते डरते उनको कहने लगे, अन्ना साहब एक बात कहना चाहते हैं, कहिए, आपने कल भी तालीम दी, आज भी दी और शाम को भी, लेकिन अभी तक हमको भ्रम हो रहा है। अस्थाई अंतरा घोटो नहीं, आप जरा नमूने पे तौर पे कुछ आलाप हमको लिख के देते तो अच्छा होता। हंसने लगे, अच्छा अच्छा कल स्टेशन पे आ जाना। तो हम लोग उनको सी ऑफ करने के लिए वीटी स्टेशन पे पहुंचे, और वो घूम फिर के फिर वो सम्मेलन के पहले दिन दिल्ली पहुंचने वाले थे।
हम लोग गए तो एक पर्चा उन्होंने दिया, उसमें तीन चार आलाप लिखे हुए थे, ये लो आलाप चाहिए ना ले लो। बस इतनी ही उनकी शिक्षा उस राग के बारे में। बस हम लोगों ने स्मरण किया, उसके ऊपर हम लोगों ने 15 दिन में दोनों ने घोटा खूब। उसमें से उनकी प्रेरणा थी, समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस हम में नहीं है लेकिन उनको अपने शिष्यों में कॉन्फिडेंस कि ये लोग गाएंगे। और हम लोग जब सप्रो हाउस में पहुंचे, अनाउंसमेंट लिखवाया साहब, तो मुटटकर ने पूछे क्या गा रहे हो, तो हमने कहा लक्ष्मी तोड़ी, तो वो भी चकरा गई। तो गाने बैठे, वहां जितने बड़े बड़े गुनीजन बैठे थे, विलायत हुसैन खां साहब थे, निसार हुसैन खां साहब थे, गजान बुआ जोशी थे, उनके पिताजी थे आनंद मनोहर जोशी, डॉक्टर केसकर ठाकुर साहब, सभी बैठे हुए थे सामने। 1.5 घंटे डट के आलाप करके धमार और उपज सब गए। तो बाद में कहते हैं देखो गाया कि नहीं इन लोगों ने लक्ष्मी तोड़ी। तो इतना कॉन्फिडेंस, अब आप देखिए कि एक शिक्षक के तौर पर शिष्यों में कितना कॉन्फिडेंस उनको। और हम लोगों को फिर बाद में एक बार वो नक्शा जो तैयार हुआ हमारे दिमाग में, क्योंकि नई नई चीज कोई भी होती है उसको जब तक आप मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में कोई चीज बैठ नहीं सकती, ओवरनाइट तो कोई चीज नहीं बैठ सकती। रियाज और उसके पर मनन चिंतन, तो उन्होंने एक दृष्टिकोण हमें दिया था किसी राग को समझने के लिए, सीखने के लिए। वैसे तो कई कई बंदिशें उनकी ऐसे बैठे बैठे सिखाते सिखाते बंदिशें हुई हैं, और उसके नमूने मैं आपको दोपहर को बताऊंगा कि एक आदमी किस कल्पना से कैसी बंदिशें कर सकता है। और उसमें साहित्य भी है, सांगीतिक वैल्यू क्या है। लोग कहते हैं कि साहब उनमें लय नहीं थी, और आपने अभी इतने 3-4 दिन में बंदिशें सुनी है, उसमें क्या लयकारी का निकास है, ये आप लोगों ने अनुभव किया। तो कई बंदिशें उनकी जो ऐसी, उस रोज हम लोग गाए तो सभी लोग आश्चर्य करने लगे। तो कहा हाँ वो गाएंगे, इसे मैंने ही तुमको पहले ही कह दिया था कि लक्ष्मी थोड़ी शेड्यूल करो। तो ये जो विद्यार्थियों में जो कॉन्फिडेंस टीचर का होना, किसकी कैपेसिटी कितनी है वो पहचानना, ये भी एक शिक्षक की बहुत बड़ी क्वालिफिकेशंस। तो इस दृष्टिकोण से वो आदर्श शिक्षक भी रहे। अब रचनाकार के हिसाब से मैं शाम को अधिक चर्चा करूंगा।